હું બિરેન અને આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. વૈદેહી વિચાર મંચ દ્વારા જ પવિત્ર શ્રાવણ માસ નિમિત્તે પાર્થિવ મહાદેવની પૂજા કરવામાં આવી છે. વડોદરા સંસ્કારી નગરીમાં વડોદરા સહિત અનેક ગુજરાતીઓ વસતા હોય છે, ત્યારે બીજી બાજુ વડોદરા શહેરમાં ગુજરાત બહારના લોકો પણ આ સંસ્કારી નગરીમાં વસે છે. તેવામાં મિથિલાવાસીઓ દ્વારા જ દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ વૈદેહી વિચાર મંચ દ્વારા જ પાર્થિવ મહાદેવની મહાપૂજાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વડોદરા શહેરના કલાલી રોડ પર આવેલા જાગન્નાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે જ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સમાજના અનેક લોકો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મહિલા બાળકો સહિત યુવાનો અને પુરુષો દ્વારા જ પાર્થિવ શિવલિંગનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ તેની પૂર્ણ વૈદિક રીતે પૂજા પણ કરવામાં આવી હતી. जैसा कि रत्नेश्वर झा जी ने कहा कि ये हम लोग परंपरागत ढंग से पार्थिव महादेव जो मिट्टी से बनाए हुए स्पेशल मिट्टी से बनाए हुए महिलाएं सवेरे से बनाती हैं और इसका हम लोगों ने पूजा किया है. और ये हम लोग कुछ संकल्प नहीं किए थे, लेकिन 1.25 लाख से ऊपर महादेव सवेरे से बनना शुरू हुए और वो पूरा हुआ और हम लोग 15, 16, 17 लोगों ने मिलके इस पूजा को संपन्न किया है. और यह एक जस्ट पूजा करने के लिए हम लोगों ने वैदेही विचार मंच के तत्वावधान में ये हो रहा है. यह अभी एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन पूजा हो रहा है. ये करीब करीब हम लोग मिथिला के जो लोग हैं बड़ौदा में वो 3 साल से ये कर रहे हैं. 3री साल है. पहले साल हम लोगों ने यहाँ किया था, दूसरे साल गायत्री मंदिर पे किया था, 3रे साल हम लोग यहाँ कर रहे हैं. जैसा कि झा जी ने कहा कि ये हमारा उद्देश्य इन पूजा का यही है कि विश्व में समरसता आए, विश्व का कल्याण हो, हमारी देश दिन रात चौगुनी तरक्की करे और साथ साथ हम सब लोग भी स्वस्थ प्रसन्न रहें. इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ये पूजा का आयोजन किया है और जो काफ़ी सफल रहा. और पार्थिव महादेव की अपनी एक अलग महिमा है. जैसे झा जी ने कहा कि राम जी जब लंका पे विजय के लिए जा रहे थे तो वहाँ उन्होंने इसकी शुरुआत की थी रामेश्वरम में, और उसके बाद ये सतत होता रहता है अलग अलग रूप में. हमारी पूजा जो पर्टिकुलरली पार्थिव महादेव वाली है थोड़ा सा अलग है. ये गुजरात में भी होता है, लेकिन थोड़ा सा हमारा अलग है कि हम जिस दिन पूजा होता उसी दिन सभी बनाते हैं. आप गुजरात या बाकी शायद ऐसा होता होगा कि बने और उनके बाद करते होंगे. तो ये इसलिए हमारी घर की महिलाएं, हम लोग सभी लोग कल आज सवेरे 5:30 बजे से लग के इस पूजा को संपन्न कर रहे हैं. और अभी अभी अब संपन्न होने के कगार पर है और काफ़ी सफल रहा और काफ़ी लोगों में आनंद भक्तिभाव आया. और हम सभी बड़ौदावासी को भी इस पावन अवसर पर बधाई देते हैं. और जो ये सावन का महीना बहुत अच्छे ढंग से निकला गुजरा और सब कुछ सही सही रहा. हम लोगों ने पहली बार की थी, उस टाइम में कोरोना काल था, कोरोना के जस्ट बाद की बात थी. तो हम लोगों ने कोरोना महामारी के कल्याण स्वरूप किया हुआ था, दूसरे बार फिर से विश्व कल्याण के लिए किया. अभी हम लोगों ने फिर से ये विश्व कल्याण और भारत की सर्वश्रेष्ठता के लिए इस पूजा का आयोजन किया. हम लोग मिथिला निवासी हैं जो बड़ौदा और आसपास में रहने वाले लोग हैं, और हमारे यहाँ परंपरा है जो सीताराम जी के जमाने से, त्रेता जमाने से चली आ रही है. जब लंका पे आक्रमण किया था रामचंद्र जी ने, तो उन्होंने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की थी, पूजन किया था और उसके बाद चढ़ाई की थी. तो उसी तरह से पार्थिव शिवलिंग का पूजन हम लोग श्रावण मास में करते हैं. इस बार भी 1.25 लाख पूजा हम लोगों ने किया है. पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से सभी तरह के मनोरथ पूर्ण होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है और समाज में समरसता आती है. यही हमारा लक्ष्य है, जिसमें विश्व कल्याण तक की बात हम लोग करते हैं. अब मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रोफेसर पीके झा जी से कि वो दो शब्द कहें.